हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग सबको। और आज है अष्टमी, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। चिक्की जी अभी तक सो रही हैं पर हम उठ गए हैं सबसे पहले और नहा धो के तैयार हो के अब हमारा काम है प्रसाद बनाना, क्योंकि अष्टमी को देते हैं हम कढ़ाई। तो सबसे पहले किचन में जाते ही हमने आटा छान लिया है और अब वही हर साल का लपसी पूड़ी बनाना है, जिसकी तैयारियां मैंने थोड़ी थोड़ी आपके साथ शेयर कर दी हैं। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि लपसी पूड़ी कैसे बनती है। जी बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे पिछले साल बनाई थी। तो ज़ोर से बोलो जय माता दी। नवरात्रि में मैं चाहती थी कि पूरा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँ, पर इस टाइम घर में इतने सारे लोग हैं ना कि मुझे कभी कभी ना खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो लेकिन जब भी मौका मिलता है ना, हम मौका छोड़ते नहीं हैं और आपके साथ बने ही रहते हैं और ये रिश्ता ऐसे ही बनाए रखेंगे। बस महादेव से यही कृपा है कि ये रिश्ता बहुत 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 लंबा जाए और भी ज़्यादा गहरा हो। तो यहाँ पे पूजा का खाना बन चुका है, यानी कि जो कढ़ाई बोलते हैं वैसे तो खाने में यही रहता है कि लपसी पूड़ी चढ़ता है। दोनों थालियाँ तैयार कर ली हैं और अब निकलते हैं मंदिर के लिए। मंदिर घर के पास ही है। जो भी ब्लॉग मेरा देखते होंगे उन्हें अच्छे से पता चल गया होगा अब तक, तो पिछले साल का भी ब्लॉग जिसने देखा होगा उसे भी पता ही होगा। तो मंदिर में काफ़ी भीड़ थी वैसे तो, क्योंकि अष्टमी को काफ़ी लोग कन्या पूजन भी करते हैं और कढ़ाई भी देते हैं। तो वैसे मैंने हमेशा से ये चीज़ फॉलो की है कि मैं अष्टमी को ही कढ़ाई देती हूँ। और ये चैत्र का नवरात्रि है तो इसमें जो है सिर्फ कढ़ाई देते हैं, और जो दूसरा वाला होता है जो अक्टूबर में पड़ता है उसमें कन्या पूजन करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने अपनी पूजा ख़त्म की, उसके बाद मैंने अपनी पूजा ख़त्म की। ए बेबली बेबली लो ये लो। चलो 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 आओ 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 आओ। शंकर भगवान आओ 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 आओ। मौसी के पास जाओ, मौसी के पास, मौसी के पास। चलो 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 चलो। एक पकड़ ला ये मोना, ही यह देखो बच्ची के लग जाए मोना, यह देखो। तो आइए हम आपको खिलाते हैं चिक्की के द्वारा बनी एकदम हेल्दी और टेस्टी डोसा। यस, खाने के लिए पूड़ियां हमने बनाई थी और साथ में बनाई है सब्जी। तो लेकिन इन्हें डोसा खाने का शौक लगा है तो ये एक दो डोसा बन चुका है, तीसरा डोसा बन रहा है और ये बनने के बाद हम खाएंगे क्योंकि भूख लगी है। ये है खमन डोसा। थाली जिसमें है चिक्की ने बनाया है डोसा, मैंने बनाई है चटनी और पूड़ी है, साथ में लपसी है और सीताफल जिसको कद्दू बोलते हैं उसकी सब्जी है आलू के साथ। और माँ मोना ने मेरे ही थाली से खा लिया है खाना। जलन हो रही है तुमको? मैं जल के काली हो गई, कोयला हो गई रही। तो ये रही जिसने मेरे हिस्से कभी खा लिया है डोसे में। आपका चेहरा नहीं छिपा है इसमें, जो भी जालियां बनी है आपका चेहरा लोग देख रहे हैं आप। और अभी अभी ताज़ा ताज़ा है कलौंजी बैगन का जो आया है मोना के घर से, और इस डोसे में इतने छेद हैं कि हम कंफ्यूज हो गए। हेलो हेलो हेलो, कौन? चली पहुंचावे मुंगाली कुकी। अरे भगवान, धीरे धीरे।
चलो 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 चलो, बाय बाय।